बिलासपुर के पेंड्रा थाना क्षेत्र में दर्जनों भर घरों की महिलाओं से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया। दरअसल सारथी बस्ती में रहने वाली महिलाओं का आरोप है कि गली मोहल्ले में फेरी लगाने वाले लोग पहले उन्हें पुराने बर्तनों के बदले में नए बर्तन देते थे और फिर दूसरे दिन महिलाओं से पुराने गहनों के बदले में नए गहने देने का लालच देकर कई घरों की महिलाओं से सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। वहीं जब महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने पुलिस थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को तलाश में जुट गई है। करती थी तो बोली पहले सामान भी था कुछ भी बदले में ले जाऊंगी, तो बोली हाँ ठीक है। फिर मैं दी तो अपना पायल भी दे दी, मंगलसूत्र भी दे दी, बदला था तो शादी और उसको दे दी आम करके पैसा दूंगी 20,000 करके। सोची देगी तो मैं घर बनवा लूंगी। कब दी आप? परसों। आज तक नहीं मिला? फिर नहीं आई दोबारा। एक बात तो आपको पता चला कि आपके साथ ठगी हो गई? तो मैं सब बताया तो मैं सबसे पूछ रहा मेरे घर तक तो पूरे मोहल्ले का हुआ क्या? हमारे घर ही घर का ना, बाकी लोग आए। लगभग कितना माल ले गए आप लोगों ने? मेरे प्रॉपर्टी लगे शादी वाला सामान बर्तन, मेरा मंगलसूत्र चला गया, पायल चला गया, सोने का मंगलसूत्र। अपने अपनी सास को नहीं बताई, चोरी हुई थी। बर्तन पलटी करने और सामान को साफ करने के लिए लोग एक दो बार उनसे और सौदा कर चुके थे ऐसा बताए, और वो सौदा करने के बाद इनको माल वापस किया और पुनः इनसे फिर से माल कुछ ले गए साफ सफाई के लिए। जो अभी इनका कहना है को माल नहीं मिला है और ये गौरेला क्षेत्र में इनका डेरा है। इस संबंध में जानकारी अभी उन्होंने जबानी तौर से बता रहा है, उनसे लिखित रूप से पूरी जानकारी ले रहे हैं और इसके बाद उनकी छानबीन करेंगे। और आम जनता को भी अभी मैं अपील करता हूं कि इस प्रकार के ठगी प्रलोभन पे न आए, जिससे अनजान व्यक्तियों को अपना सामान दे दें और उससे ठगी का शिकार हो सके।